अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर योर लैब इंस्ट्रक्टर इंजीनियर अपीयर। टुडे और एक्सपेरिमेंट इन एक्सपेरिमेंट 7 टू परफॉर्म एडिशन विद कैरी एंड सब्ट्रैक्शन विद बॉ। द लैब आउटलाइन इज लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड, थियोरेटिकल बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड देन द रिजल्ट। द लैब ऑब्जेक्टिव इज द एडिशन विद कैरी एंड सब्ट्रैक्शन विद बॉरो। इक्विपमेंट विच वी नीड इन द लैब इज द पीसी एंड द सॉफ्टवेयर इमुलेटर 8086। फर्स्ट ऑफ ऑल I tell about the little bit introduction about the carry flags. In computer processor, the carry flag, usually indicated as C flag, is a single bit in a system. Status register used to indicate when an arithmetic carry or borrow has been generated out of the most significant ALU bit position. वो कहते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर में कैरी फ्लैग को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिकली सिंगल बिट होती है सिस्टम में, जो किसके लिए यूज़ की जाती है, जब मेरे पास अरिथमेटिक कैरी, अरिथमेटिक में आप लोगों को पता है ऑपरेशंस में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आता है, तो ये कैरी की बात की जा रही है। कैरी और बोरो का मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। हैज़ बिन जनरेटेड आउट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बिट पोजिशन। द कैरी फ्लैग एनेबल्स द नंबर्स लार्जर देन अ सिंगल एएलयू बिट to be added subtracted by carrying a binary digit from a partial addition subtraction to the least significant bit position of a more significant word। आप सबको पता है हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं MSB या LSB साइड से, ठीक है। तो क्या होता है, आप लोग की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चली जाती है ऑफ मोर सिग्निफिकेंट वर्ड। यूज़ ऑफ कैरी एंड बोरो फ्लैग। अब बेसिकली कैरी और बोरो फ्लैग को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। द कैरी फ्लैग इज इफेक्टेड बाई द रिजल्ट ऑफ मोस्ट अरिथमेटिक instructions and it's also used as an input to many of them। carry flag kya hota hai, effect kiya jata hai result of the most arithmetic instruction and is used to as input to many of them। several of these instructions have two forms which either read or ignore the carry। kuch instruction ye hote hai ki ya to read kar raha hota hai ya ignore kar deta hai wo carry ko। in assembly language these instructions are represented by the mnemonics such as the addition subtraction। ADC का मतलब है एडिशन विद कैरी, SPC सब्ट्रैक्शन विद कैरी। अच्छा, SHL, SHR बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर्स होती है, रोल बिट रोटेट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। द यूज़ ऑफ कैरी फ्लैग इन दिस मैनर एनेबल द मल्टी वर्ड एड सब्ट्रैक्ट शिफ्ट एंड रोटेट ऑपरेशन। शिफ्ट और रोटेट वाली हम लोग आगे बेसिकली नेक्स्ट फॉर द लैब इस कमांड को डिस्कस करेंगे डिटेल में। एन एग्जाम्पल इज वट हैपन इफ वन वर्ड टू एड 255 एंड 255 यूजिंग द 8-bit रजिस्टर, द रिजल्ट शुड बी 510। 255 उसको ऐड करेंगे, द रिजल्ट शुड बी 510 विच इज़ बाइंड्री में उसने लिखा होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड दी 9 bits। द 8 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑलवेज स्टोर्ड इन द रजिस्टर वुड बी 254 डेसिमल, बट सिंस देयर इज कैरी आउट ऑफ 7 bit द कैरी सेट इंडिकेटिंग द रिजल्ट नीड दी 9 bit। वो कहते हैं द वैलिड 9 bit रिजल्ट इज द कॉन्कैटेनेशन ऑफ द कैरी फ्लैग विद द रिजल्ट। नोट, जो 8-bit होता है टू कॉम्प्लीमेंट इंटरप्शन है, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज द +1 and -1 एंड रीड्स द करेक्ट रिजल्ट इज -2 विद नो ओवरफ्लो इवन इफ द कैरी इज इग्नोर। अच्छा, अब कैरी फ्लैग वर्सेस बोरो फ्लैग क्या होता है। हम लोग कैरी करेंगे और बोरो करेंगे बिट को, तो मेरे पास C = अगर 0 होगा या C 1 होगा तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी क्या आएगा यार, a - p a + not p + 1। सब्ट्रैक्शन विद बोरो के हवाले से पहले क्या है, विदाउट कैरी और बोरो। अब बोरो के हवाले से क्या होगा यार, a - b - 0, a + not b + 1 उसमें वो हो रहा है, ठीक है। a - b में उसमें 0 हो रहा है, सब्ट्रैक्शन विद कैरी में उसमें क्या हो रहा है, -1 और -0 ऐड हो रहा है। अच्छा, सेंटेक्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, ADC डेस्टिनेशन और सोर्स एडिशन विद कैरी, और सेंटेक्स वो सब्ट्रैक्शन विद बोरो, SBP सब्ट्रैक्शन विद बोरो डेस्टिनेशन है और सोर्स।